हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, राधे कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? हम लोग उम्मीद करते हैं आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। मैं सुनील कुमार चौहान, मैं नगांती चौहान, स्वागत करते हैं अपने चैनल नगांती चौहान ब्लॉग में। वीडियो एंड तक देखिए और प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आज की इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो फुल वॉच करके एंड तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अभी देख सकते हैं ये पुल ना, बचपन से हम लोग यहीं पे कभी खेलते थे, जो बचपन में तो यहीं पे बैठा करते थे। तो आज मन बहुत उदास है, मम्मी ने कुछ ऐसी बोली। तो अभी 15-20 आधा घंटा हो गया यहीं पे बैठे हुए, नगांती जी बड़ी भाभी के घर पे। चलिए अभी मार्केट भी जाना है, चलता हूँ अपने रूम। फाइनली अभी बहुत देर वहाँ बैठ लिया, अभी चल रहा हूँ अपने रूम पे। और उसके बाद क्या क्या करेंगे, शाम तो हो गया, सबसे पहले मार्केट जाना था। और देखते हैं अभी जा पाते हैं कि नहीं। तो अभी देख सकते आ गया अपने सपनों के घर पे। अब चलिए साफ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि ना नगांती जी को भी सुनाया तो गई हैं थोड़ा बड़ी भाभी से सलाह लेने, जो भी है। आज जब तक साफ सफाई कर लेता हूँ घर में। देख सकते हैं घर आंगन साफ करने के बाद अभी द्वार साफ कर रहा हूँ। चलिए अभी इसको भी साफ कर लेता हूँ। देख सकते अभी घर आंगन साफ सफाई कर दिया। इधर देख सकते हैं द्वार का लुक, आई है खेत हरे भरे। और एक चीज़ ना दोस्तों, अभी सूरज भगवान अभी जाके डूबे हैं। अभी हम लोग बाहर रहते हैं, जैसे कभी टाइम से नहीं आए तो बच्चों को भी ये पता है कि गदबेर होने से पहले घर में झाड़ू वाड़ू यानी साफ सफाई कर लेना चाहिए। तो बच्चे भी कभी साफ सफाई कर लेते हैं। तो अभी ये है, आप लोग भी जानते होंगे कि कभी भी गदबेरा टाइम में साफ़ सफाई नहीं करना चाहिए। तो नगांती जी तो अभी थोड़ा वहाँ किसी काम से गई थी, मैं आ गया टाइम से, साफ़ सफाई कर लिया। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हमारा देख रहे हैं हमारा YouTube फैमिली, तो उनको तो खैर पता ही होगा, लेकिन हमारे बच्चे कितना तारीफ़ काबिल है कि उनको भी पता है ये सब देख के, बात करके, वीडियो जैसे बनाते हैं तो सुन के कि हमें गदबेर टाइम में झाड़ू घर का साफ़ सफाई कर लेना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अभी साफ़ सफाई हो गया, उसके बाद नगांती जाती है, फिर चलेंगे मार्केट, क्योंकि सब्ज़ी में ना दिखाता हूँ सब्ज़ी में अभी क्या है। देख सकते हैं अभी जो बड़े पापा के घर से आया था ना, चलिए एक प्याज शायद मिल गया मेरे को, हो जाएगा तो इसी का भुजिया और रोटी बना लेंगे, क्योंकि अभी बाकी सब्जी शायद नहीं है हमारे यहाँ। तो उस दिन चावल खरीदे थे तो दाल भी ले आए थे, तो दाल तो इस टाइम नहीं बना पाएंगे, सुबह ही बनाएंगे। थोड़ा सा रस, सरसों का मसाला पीस के सब्जी बनाई थी नगांती जी। चावल बचा है थोड़ा सा रोटी बना। इधर देख सकते हैं अभी भीख से टफी लिया कर रखे हैं, कभी आकाश को ना हल्का हल्का है खांसी तो कभी कभी यूज करता है। आ इधर देख सकते हैं मानसी और विजय और नगांती जी और कहां कहां से कमेंट आ रहा था, फोन भी आ रहा था मेरे मानसी को, क्या हुआ है? तो आप क्या हुआ है, थोड़ा पापा का तबीयत खराब है ना? थोड़ा सा पापा का तबीयत खराब है। क्या हो गया है? खांसी हो गया है। खांसी हो गया है, कान में दर्द कर रहा है। हाँ, कान में दर्द भी कर रहा है और मेरे कान में भी। निमन हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा मेरे मानसी बाप रे। अरे मैं खाली मानसी को होगा? हाँ, सबको अच्छा हो जाएगा। अरे मेरी मम्मी पापा को हो जाएगा कि नहीं? अच्छा हो जाएगा मम्मी पापा का। हाँ, कहो मैया रानी जल्दी हमारे पापा को सही कर दे। अच्छा, जा घर में जा रही हूँ माता रानी के दरबार में। अच्छा, जहाँ मंदिर बना है ना, जहाँ पूजा पाठ करते हैं वहाँ पे जाके बोलेंगी। आ इधर देख सकते हैं, लग रहा है आज मार्केट जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना बड़े पापा शायद जो खेत में रोपे थे आलू वही लेके आ रही हूँ, मुझे पता है। अभी गोभी है और आलू और प्याज 10 रुपये का मंगाना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा आलू लिए, वहाँ कैसा बैठा है दौरा में निकाली दिखाते हैं। जल्दी आओ पढ़ने, टाइम हो गया। खेला से पेट भर गई। कौन सी इनका दोस्त बन गया जी? और ये प्रोजेक्ट कब खत्म करेगी नगांती जी? इसका कुछ करते हैं, नहीं तो अभी 2-3 दिन के बाद मेरा टेंट में काम आ लग जाएगा, फिर मैं बिजी हो जाऊंगा। कल इसका करेंगे दोस्तों कुछ ना कुछ, इसमें जो और अच्छा दिखे। मेन चक्कर है ना, अभी इधर से मिट्टी ले आते हैं तो अभी रास्ता भी जाम हो गया, वहाँ से ले आएंगे तो दिक्कत होगा, नहीं तो मिट्टी इसमें लगेगा। ये वाला दीवार लेवरना है और वो लेवरना है, ये जो अधूरा बचा है इसको और फिर इस मंदिर को।
माता रानी से आशीर्वाद मांग लिए, क्या बोली? ठीक है, आपके मम्मी पापा को ठीक कर दूंगी। अच्छा ठीक है, कितना समझदार हो गई मेरी मानसी। ठीक है भाई, एक साथ आप लोग पढ़ो। है ओके, हो सारा सामान ये अच्छे से रख दो बेटा, कंबल, उसके बाद आराम से बैठ के पढ़िए। तक हम लोग खाना बना लेते हैं। क्या खाइएगा मानसी? नहीं, हमारे यहाँ क्या खाओगी? बड़े पापा घर टॉफी चॉकलेट। तो इधर देख सकते हैं, अभी और भी आ गया। सही बैठा है उधर का ना, वही वाला है ना जो खेत में से निकला है। इधर देख सकते हैं, सुबह शाम दोस्तों ना जो ब्लॉग बनाते हैं, एक तो ब्लॉग बना के डाल दिए, उसके बाद फिर सोचते हैं कि हम कैसा और सुंदर बनाए कि हमारा यूट्यूब फैमिली को बहुत अच्छा लगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो ये सब दिन भर हम लोग करते रहते हैं दोस्तों काम, और जब जो दो पैसा है उसके लिए काम भी मैं ढूंढते रहता हूँ। अच्छी बात है। तो बहुत जल्द मेरे को टेंट में 2-3 दिन साटा है, जिसमें कुछ खर्चा निकल जाएगा साग सब्जी की ना जी। हाँ, चावल आटा तो भर लिए। तो देख सकते आज हमारे यहाँ क्या बनने की कोशिश हो रही है, देखते बना पाते कि नहीं। दी मम्मी कितना है दिखाओ। तो आज दोस्तों अंडा बनाने जा रहे हैं हम लोग, तो वो अभी जा रहा है मेरा लड़का ले आने, और लेके आता है उसके बाद बनाएंगे। ठीक है, जाओ जल्दी लेके आने। ठीक है बेटा, देख सकते दोनों भाई जा रहे हैं। एक जाओ, तुम भी जाओ, नहीं कैसे टूट जाएगा अंडा। ले जाओ विकास को भी, सही से ले आना। फिर अभी हम विकास चल रहे हैं धनिया का पत्ता तोड़ने, क्योंकि अभी दिन है, इधर अरजान होने लगा। उसके बाद हम लोग खाना बनाने लेंगे और हमारे बच्चे बैठ के पढ़ेंगे, टाइम से खाना भी बन जाएगा। मैं ना दिन में ही तोड़ लेता हूँ, लेकिन आज थोड़ा अभी दिन ही है इसीलिए विकास से तोड़वा रहा हूँ। देखना बेटा पत्ते वाला तोड़ना, ठीक है। ये देख सकते हैं दोस्तों बिन बिन के, इधर देख सकते हैं सरसों। दोस्तों मेरे हिसाब से ना नगांती जी बोली थी यहाँ पे केवल सरसों बोना तो बहुत निकल जाता, क्योंकि तेल बहुत महंगा है, बाकी सभी लोग सरसों बहुत ज़्यादा बोए हैं। गेहूँ की भी ज़रूरत था, लेकिन जितना है उतना ही बोए हैं हम लोग। इतने में देखते हैं कितना सरसों निकलता है, देख सकते हैं। सरसों ज़्यादा निकलता ना तो इसको मशीन पे पेरवा के तेल निकल जाता और बहुत अच्छा रहता। आई देखिए दिन पे दिन मोटर का ढेड़ी बड़ा हो रहा है। इधर देख सकते हैं अभी धनिया फूल वाला क्यों तोड़ रहा है बेटा, कोई नहीं रख दे। देख सकते हैं जितना छोटा छोटा आलू है ना उसका अभी बनाएंगे सब्जी। सब इधर से हियार लेते हैं। देख सकते हैं छोटा छोटा सारा आलू काट लिया हूँ, इसको अभी धुल लेता हूँ। इधर सारा सामान अलग अलग निकाल दिया। प्याज और गोभी का जो पत्ता था थोड़ा सा काट लिया हूँ, क्योंकि कल सूख जाएगा। इधर मानसी देख क्या कर रही हो, मैं इसका लंबा रख रही हूँ कितना। और आकाश को ना थोड़ा खांसी तेज हो गया है, तो नगांती जी गई हैं वो पत्ता ले आने बड़ी भाभी घर से, उसको एक बार बना कर भी पिलाएंगे तो नरम होगा ना मानसी। हाँ। इधर बोल के देखा हो क्या कर रही है मेरे ललन, इसका लंबा रख रही हूँ कितना। अच्छा छोड़ दो, नहीं तो बड़ी मम्मी उधर से आएंगे दरवाजा खुलेंगे तो चोट लग जाएगा, हट जाओ। हाँ आप इधर देख सकते हैं आलू हल्का सुसुम कर दिया हूँ, उसके बाद निकाल लिया हूँ, क्योंकि इसमें अभी अभी कोड़ा है ना, थोड़ा मिट्टी रह सकता है। इधर अंडा उबल रहा है, अभी कुछ ही देर में उबल ही जाएगा। इधर हल्का गोभी भी काटा हूँ, क्योंकि ना अभी जो सब्जी बनाते हैं सुबह जैसे बच्चे जाते हैं स्कूल 8 बजे से हो गया है 8:30 बजे से, तो सब्जी रहता है तो चावल झटपट बना के अपना टाइम से चले जाते हैं। अभी भी सुबह इधर ठंड पड़ता है, क्योंकि ओपन एरिया है ना, हरे भरे सुबह तक ओस रहता है, तो सही है ठंडा मौसम में सब्ज़ी ख़राब नहीं होता, तो इसीलिए थोड़ा अभी ज़्यादा बनाते हैं। देख सकते हैं अभी दवा लेके आ गई, शामी को कुछ ज़्यादा खांसने लगता है ना, देख सकते हैं चेहरा कैसा लाल हो गया। दवा दिखाइएगा कहाँ है, रुकी हुई थी। अच्छा जो भी है चला दिखा। एक भाई शाम के टाइम मत उधर खेला करो आप लोग, मैं बोलता हूँ बार बार, लेकिन बच्चे हैं क्या करें, हम लोग भी उधर उलझ गए थे बड़ी पे। अभी नीमन हो जाएगा बेटा, सही है। आपने खुद ही क्या बात, अरे नीमन कोई कहता है।
आप ये मैं बोली थी ना आज, अरे हाँ बेटी के कितना जोर से खांसी हो गई थी। अरे बेटी कोई बोलता है ये बेटा बोलो बेटा। अभी भैया सही हो जाएगा। उस टाइम कह रही थे भैया को क्या हो गया, कैसे खांसी हो गया, तो अभी दो तीन दिन से चल रहा है। सिरप पिला दी, सिरप ये दोस्तों देख सकते हैं ये वाला सिरप है, लेकिन बार बार नहीं पिला सकते हैं ना, अभी पिलाए थे लेकिन थोड़ा ये आयुर्वेदिक। मैं आपको बता रहा हूँ वही जो सुबह सुबह है ना दो बार दीजिए, वही जोर शोर से सही कर देगा पता, और कोई नुकसान भी नहीं करेगा है कि नहीं, वो फायदेमंद ही है। देख सकते हैं फाइनल अंडा उबला चुका, चलिए इसको छील लेते हैं। देख सकते हैं फाइनल अंडा छील दिया हूँ, चलिए इसको थोड़ा ताल लेते हैं। फाइनली सब चीज रेडी हो चुका है, कढ़ाई गर्म हो रहा है। नगांती जी ये फिर क्या गिर गया, अच्छा नहीं दिख रहा है अपना किचन कैमरा में, इसको करेंगे अभी ना दोस्तों। तेल गर्म करके लहसुन जला के पूरा देह मालिश करने वाले हैं हम लोग आकाश को ना। हाँ गर्म पानी पिलाओ, ठंडा पानी तो बिल्कुल पिलाओ ही मत जब तक खांसी नहीं हो सही होता ना मानसी। आप गर्म पानी पीती हो? हाँ, पीती हूँ ना। मैं बाद में खिलाऊं पहले लहसुन। बोल लीजिए भैया लहसुन खिलाओ, लहसुन हमें गर्म करके देखो गर्म हो जाता है। सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लहसुन छिल रही है। वो आउटर एरिया में आज बहुत तेज हवा चल रहा था ठीक है ना, 3 बजे पढ़ के आया और उधर चले गए खेलने, थोड़ा तेज हो गया। सुबह शाम तेज है दोस्तों कस के। हाँ दिन भर नहीं खासेगा, दिन कोई नहीं रहता है पता ना क्यों शाम को। आप लोग थोड़ा कमेंट बताइएगा, और ये दवा का दिखा दूं आपको, ये वाला है TORDEX टूडेक्स है क्या, तो ये दवा चला रहे हैं। बाकी आयुर्वेदिक भी जो भी है ना, बहुत कुछ खिला रहे हैं। ऐसे ही एक बार विजय के पापा दो तरफ पिला दी थी उसको, नहीं सही हुआ वो पत्ता से सही हुआ, पत्ता ही पहले इनको पिलाई थी, पत्ते से सही हुआ। रेगुलर पिलाइए, देख सकते हैं अभी थोड़ा और तेल गर्म हो जाता है, एक बैग डालती ना जल्दी जल्दी। कैसे चेहरा उतर गया, बच्चे को कुछ भी होता है ना तो सबसे ज्यादा हम लोग परेशान हो जाते हैं। देख सकते हैं इतना जला के ना अभी इसी तेल से नगांती जी भी खूब, ये देखिए निकाल लिए, थोड़ा पानी था ना, अरे देखिएगा सब तो रखिए नीचे। चलिए अभी अंडा फ्राई कर लेते हैं, जितना भी है ना मम्मी है जितना जल्दी हो सके, देख सकते हैं जल्दीबाजी में हाथ भी जला लिए तेल से, उसमें पानी था और फ्राक देखिए। अब काश उठ के बैठो, अभी पूरा देह में मालिश हो जाएगा, लहसुन और तेल का सही हो जाओगे अभी। तो अभी देख सकते हैं अंडा कितना सुंदर फ्राई कर रहा है दूर से दोस्तों, क्योंकि उस दिन नगांती जी यही अंडा था उस दिन से आज बना है। अभी मेरा विकास और विजय तीनों लड़के का मन किया था तो एक एक पीस खा लेंगे, 5 अंडा लिया है। मेरी ललन भी अंडा खाएगी ठीक है। हाँ देख सकते हैं फाइनल अंडा उबाल दिया, अब मेरे को गर्म अंडा गर्म चीज़ तो ऐसी नहीं खाने में, सब्जी से खाऊंगा इसीलिए इतना आइटम डाला हूँ। चलिए अभी छमक लेते हैं सब्जी, तो इधर देख सकते हैं प्याज और दो गोभी का पत्ता था उसको पहले तेल में डाल दिया हूँ, बहुत टेस्टी। इस दिन से मेरे को मुँह लग गया है दोस्तों, बहुत फायदा भी कर रहा है पेट के लिए, तो इसीलिए मैं इसको पहले भूज लेता हूँ, उसके बाद बाकी आइटम डालेंगे। तो देख सकते हैं अभी हल्का सीज गया था प्याज, उसके बाद थोड़ा गोभी डाल दिया हूँ इसको भी थोड़ा, और हल्का हल्का तल भी जाएगा और टेस्टी लगेगा। तो अभी देख सकते हैं सब्जी का लुक, जो भी छोटा छोटा आलू था ना दोस्तों मैं सब लेके इसको भूज रहा हूँ, और बाकी टेस्ट के लिए हल्का गोभी डाला हूँ पतला पतला काट के, और उसका पत्ता भी और प्याज को डाला हूँ। तो अब बताइएगा क्या लुक हुआ है। अब इसमें पानी डालने वाले हैं क्योंकि चावल से खाना है हमें, आप रोटी से खाना चाहते हैं तो भूज के खा सकते हैं छोटा छोटा आलू का, अब बहुत टेस्टी लगेगा दोस्तों अब की सीजन की आलू। चलिए अभी थोड़ा पानी डाल लेते हैं क्योंकि सब्जी भूजा चुका है। तो ये है सब्जी का लुक दोस्तों, बताइएगा कैसा बनाया हूँ, स्वादिष्ट दिख रहा है कि नहीं और कलरफुल। और ये अंडा तो मानसी खाएगी, इसमें 4 डाल दिए हैं और इसमें हो जाएगा। आप बताइएगा तारीफ़ काबिल सब्जी बनाया हूँ कि नगंती जी, थोड़ा आइएगा देखिएगा।
क्या रेसिपी बनाए हूँ बताइएगा दोस्तों। सब चीज ओके है, बस थोड़ा सा टपका के उतार देना है। और ये है आटा सान रही है अमानसी। सब्जी से खाओगी कि अंडा ऐसी ताल के दूँ? सब्जी से। सब्जी से अच्छा तो ठीक, जल्दी पका दो। चलिए फिर इसको भी डाल देते हैं उसी में। तभी आटा सानना शुरू कर दिए अपने बड़े बड़े हाथों से। आज छोटे छोटे हाथ नहीं करूँगा, नहीं तो आप लोग कमेंट में बोलते हैं नागांती जी क्या बची हैं, क्या छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथ बता रहे हैं, इसीलिए बड़े बड़े हाथ है। खाना खाने के लिए मानसी और विकास कैसे देख सकते चट बिछा रहे हैं, अच्छे से बिछा लो। देख सकते यहाँ नीचे रोटी बेल रही है, मैं इधर फुला रहा हूँ, बच्चे उधर बैठ के बस इंतजार कर रहे हैं। बस थोड़ी देर में होने वाला है क्योंकि रोटी खिलाएंगे, चावल हम लोग खा लेंगे ना नागांती जी। हाँ बच्चों को चावल बिल्कुल शाम को मना है। भी देख सकते हैं वो उससे मल दिए थे ना लहसुन गरम करके, तो अभी शांत है बैठे मेरा, लेकिन खाना नहीं खाया अभी। नागांती जी खिलाएंगी जगह नीली, सब चीज़ रेडी हो गया, अभी नागांती जी खाना निकालेंगी। देख सकते हैं दोस्तों अभी पानी डालने के बाद भी सब्जी का लुक चेंज नहीं हुआ है ना जी। और उधर भैया के साथ मानसी खेल रही है। इधर देख सकते हैं मानसी और विकास एक में खाएंगे और विजय अलग, और भी घटेगा तो मांग लेना ठीक है विकास। चलिए कैसा सब्जी बना है, कैसे? अच्छा एकदम टेस्टी। वाह थैंक यू मानसी, मेरा सब्जी बनाया कितना तारीफ करे, रोज आ जाना। हाँ भाई एक साथ खेलना, जब तक खाना बना लेंगे फिर खा के जाना ठीक है। सर मैं तो कह रहा हूँ यहीं पर रहो ठीक है। हाँ बाप रे। हेलो दोस्तों, सुबह सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? हम लोग उम्मीद करते हैं आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो आज है नेक्स्ट डे, अभी सुबह सुबह मैं जा रहा हूँ काम पर क्योंकि काम मिल चुका है। जो काम करेंगे ना वो नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बन चुका है। अभी नागांती जी क्या कर रही है चलिए दिखाते हैं उनको। देख सकते हैं हमारे बच्चे खाना खा रहे हैं सुबह सुबह का, देख सकते हैं अभी नाश्ता हलवा, और इधर पानी गर्म करेंगे क्योंकि गर्म पानी पिलाएंगे। थोड़ा सा भुजी थी तो दाल चावल और पापड़ खा लिए बच्चे ने, और हलवे बनाई हूँ नाश्ता, मतलब स्कूल ले जाने के लंच, तो उसमें सतह खत्म दिख रहा है, लंच भर दिए। लंच भर दी। अच्छा और ये आलू उबाल कर रखी है, चटनी भी बन जाएगा, दाल सब्जी है, रात के सब्जी भी है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट द्वारा बताइएगा। आप बहुत खुशी की बात है कि मुझे काम मिल गया, अब दो पैसा आएगा तो सब्जी वब्जी का दिक्कत नहीं होगा। आज जो नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा क्या क्या काम करते हैं आज ना, आज दूसरा कोई मिस्त्री है, पहले वाले नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो इतना ही एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। कैसा लगा हमारा ब्लॉग कमेंट द्वारा बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी करिएगा। यहाँ तक वीडियो ब्लॉग देखने के लिए दिल से धन्यवाद। इंस्टाग्राम का लिंक तो आपको पता है, टुक टुक 16 32, आप हमें वहाँ से फॉलो कर सकते हैं।